स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 26 और 27 मार्च को है, तो आप लोग जो भी दे रहे हैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे SBI क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में। अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देखे होंगे आप, तो मैंने उसमें ही बता दिया था आपको कि आपके नोटिफिकेशन आने के चांसेस कब है और कब तक आनी चाहिए, क्योंकि SBI का कहा नहीं जा सकता है कब नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देती है। कभी कभी जनवरी 1 तारीख को रिलीज़ कर देती है, जैसे कि प्रीवियसली बहुत बार की है। तो इस बार जैसे जनवरी में रिलीज़ नहीं हुआ था, तो सबका अब एक्सपेक्टेड देखिएगा, यूट्यूब पर कहीं भी जाके देखें, सबका एक्सपेक्टेड है मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ जानी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है, अब ज़रूरी नहीं कि यही डेट को 100% आएगी, लेकिन चांस है कि आ सकती है। और आने को तो आज भी आ सकती है, आपका कभी भी आ सकती है। SBI आपको पता है कि सरप्राइज हमेशा से देती है, तो वो नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है। आप लोग अपना प्रिपरेशन अपना अच्छा से करते रहें, और जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं आप लोग फिलअप करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। ज़्यादा नोटिफिकेशन के बारे में टेंशन ना लें और बस प्रिपरेशन पे फोकस करें। जो भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं आप करें, और यही करो कहूँगा मैं कि अब मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है कि मार्च एंड तक आ जानी चाहिए आपकी नोटिफिकेशन या अप्रैल फर्स्ट वीक तक, तो मेरा एक्सपेक्टेड यही रहेगा, इसी में आ जानी चाहिए आपकी। क्योंकि जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है जैसे TCS के द्वारा कि आपका जून में शायद प्रीलिम्स होगा और जुलाई तक आपका मेंस हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उसके हिसाब से अभी तक आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है आज शाम तक या कल शाम तक या ये वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपकी आ जानी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, और जो भी RBI के दे रहे हैं एग्ज़ाम आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट।